हूँ द्वारका रीश। सब लोग स्वस्थ रहिए और अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, टैरो में से लेंगे 8 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 8 मैसेजेस। अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। फोर्सफुली आपको कोई भी कार्ड अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी जोड़िया के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि कोई भी हो या आपके पर्सन की, उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। स्पेसिफिकली कौन से कार्ड आते हैं टैरो के, उसमें डिटेल्स बताए जाएंगे। जहाँ तक बात है पर्सनल रीडिंग की, तो अमित और मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करते। अगर आपको फिर भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप किसी और चैनल को विजिट कर सकते हैं। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि, उनको लगता है आप एक रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, यानी कि अपने कंपैरिजन में उनको लगता है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। पैसों को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा घर हो सकता है और घर वाले थोड़ा सा रिच कैटेगरी में आते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो इसलिए उनको लगता है कि आपके घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस वही होगी कि इक्वल का मैच होना चाहिए। और ये पर्सन अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा सोचते हैं कि इनकी फैमिली आपके फैमिली के कंपैरिजन थोड़ा सा, ये ऐसा समझते हैं कि मतलब ये स्ट्रगल करने वाले हैं, या फिर अच्छा खासा घर है लेकिन छोटा सा घर हो सकता है, गाड़ी वगैरह भी हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं। तो उनको लगता है कि आपके घर वाले शायद आपके लिए रिच फैमिली ही पसंद करेंगे या फिर चाहेंगे। लेकिन आपके नेचर की जहाँ तक बात आती है तो उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कंप्लीट फैमिली पर्सन है, यानी कि आप जैसे अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं वैसे ही इनकी फैमिली में शामिल हो जाएंगे। तो इनके घर वाले भी आपकी तरफ से बहुत खुश हो जाएंगे, यानी कि आप सबका ख्याल रखने वाले हैं। मतलब आपके नेचर को लेके इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी फैमिली बैकग्राउंड को लेके इनको लगता है कि शायद आपके घर वाले नहीं मानेंगे स्टेटस की वजह से। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सामने रास्ता है लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में है कि मुझे कहाँ से एक्शन लेनी चाहिए। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको उलझन में डाल देती हैं। जैसे यहाँ पे पहला ही कार्ड हमें मिला, अगर आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं तो हो सकता है आप अपनी ख्वाहिशों से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं कि क्या मुझे सच में इस लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जबकि अगर आपको एहसास होता है कि शायद आपके घर वाले नहीं मानेंगे तो इनको मतलब ये वो समझते हैं कि आप में वो बात है कि अगर आप ठान ले तो आप मंजिल तक पहुंच के ही दम लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि आप उलझन में पड़ जाते हैं और अपनी ख्वाहिशों की बजाय सबकी ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं, मतलब खुद को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा इनका कहना है। फिर है द हर्मिट वर्गो यानी कि कन्या राशि का कार्ड है। तो यहाँ पर तो बात आ रही है कि जैसे ये कुछ मेडिटेशन वगैरह कर रही है तो वैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में जब भी बातें करते हैं तो यही बताते हैं कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, भगवान पे यकीन रखने वाले पर्सन हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके हर एक बात के साक्षी भगवान हैं और काफ़ी ज़्यादा इस वजह से आप ऑनेस्ट भी हैं। जैसे कि इस कार्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये पहला कार्ड
कि उस वजह से आपको लगता है कि क्या मेरा घर वालों का दिल दुखाना अच्छा रहेगा, या फिर भगवान क्या कभी मुझे माफ़ कर पाएंगे, क्या भगवान को नहीं पता कि मेरे दिल में अपने पर्सन के लिए क्या है। मतलब हर एक बात को लेके आप भगवान को लेके सोचते रहते हैं, और जिस वजह से आप थोड़ा सा गॉड फेयरिंग आप कह सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग, हर एक बात की गहराई तक जाके सोचना आपकी आदत हो सकती है। और इस वजह से उनको लगता है कि आप सोचने में बहुत ज़्यादा वक्त गंवाते हैं, और ये बेवजह नहीं, मतलब आपकी आदत है कि आप खुद से ज़्यादा सब सिचुएशन को लेके सोचेंगे, घर वालों को लेके सोचेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान है, मतलब इमोशंस में बह के कुछ फैसला लेने वाले इंसान नहीं है। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। यहाँ पे जैसे इसने कुछ सोचा नहीं था वैसे कुछ हो रहा है और ये सरप्राइज हो रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन भी जानते हैं कि आप दोनों ने भी कभी शायद ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि आपको कभी किसी से प्यार हो जाएगा। लेकिन जैसे वैंड रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को भी, तो मे बी लव एट फर्स्ट साइट ऐसा आप दोनों के कंडीशन में हुआ है, या फिर उनको भी पता है कि जब आप दोनों एक दूसरे से मिले और आपको भी पता नहीं चला कि कब ये रिश्ता प्यार में बदल गया, यानी कि कुछ लोग शायद फ्रेंडशिप लेवल से भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, लेकिन सरप्राइजिंगली ये रिश्ता इस हद तक पहुंच गया कि आज आप कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से इस प्यार के रिश्ते में जुड़े हैं। फिर है द टावर, यहाँ पे बात आ रही है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, तो मे बी इस पर्सन को आपने उनके मुसीबत के वक्त में कुछ हिम्मत दी है या फिर अपना सपोर्ट दिया है। जैसे अभी कोविड टाइम भी गुजर चुका है, लेकिन अगर उस वक्त भी आप अपने पर्सन से कनेक्टेड थे और उस वक्त जैसे काफ़ी ज़्यादा कोई मिलजुल नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी न जाने अब कौन सा मोड़ लेने वाली है, उस वक्त भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें शायद आपके बारे में नोटिस की कि आप उनसे उस वक्त भी कनेक्टेड थे, और आपने शायद उनको ये सपोर्ट देते रहे कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि मोरल सपोर्ट, या फिर भी उनके कांटेक्ट में रहना, मतलब पर्सनली नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आई एम विथ यू, ये एहसास आपने उनको हमेशा होने दिया जिस बात को लेके ये आपको याद करते हैं। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। जैसे ये अपनी थाली में से कुछ दे रही है, ये मछलियों को भी दे रही है, ये छोटी सी कैट है वो भी खाना ले रही है, वैसे ही आप एक गिविंग पर्सन है, यानी कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं, भले ही वो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी की हेल्प करना हो या अपने घर वालों का ख्याल रखना हो, यहाँ तक कि किसी किसी के घर में शायद पेट्स वगैरह भी हैं, और ये पेट आपके घर में इसलिए हैं क्योंकि आपको पेट्स वगैरह पसंद है, मतलब आपको इन जनरल दूसरों का ख्याल रखना या फिर उनकी केयर करना, उनका सब खाने का, या फिर आप कह सकते हैं घर में अगर बुज़ुर्ग लोग भी हैं, दादी दादा नानी नाना ऐसा भी कोई है, तो उनकी भी आप अच्छी खासी देखभाल कर लेते हैं या फिर उनसे आपकी अच्छी बनती है, तो आप एक बहुत अच्छे काइंड हार्टेड और साथ ही साथ सबके साथ घुल मिलने वाले पर्सन हैं, ये भी वो बताते हैं। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। उनको ऐसा लगता है काफ़ी कुछ है आपके दिल में उनके लिए, मतलब यहाँ पे जैसे वर्गों के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, लेकिन आप शांत रहते हैं, मतलब आप अपने दिल की बातें एक्सप्रेस नहीं करते, और उनको लगता है कि आप इजीली अपने दिल की बातें रिवील नहीं कर पाते क्योंकि आप हर उस बात को लेके भी सोचते हैं कि पता नहीं मेरा इस वक्त इस पर्सन को ये सब कहना क्या सही होगा। मतलब काफ़ी कुछ है जो आपने खुद के अपने दिल तक ही रखा है, लेकिन ये आपके जज्बात ज़रूर समझते हैं, ये वो बताते हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। काफ़ी वक्त से ये आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं, इन्होंने शायद काफ़ी इंतज़ार किया है, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन ने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है, तो ये आपको ये प्यार का कब ऑफर भी करना चाहते हैं और इस कमिटमेंट के रिश्ते में आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में तो यही बोलते हैं कि मुझे पता है वो कैसा है या कैसी है और इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना है, अब क्यों बढ़ना है तब ये बाकी सब बातें आती हैं। फिर है मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो ये कार्ड यही बताता है कि उन्होंने शायद ओपनली अपना दिल आपको नहीं दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ जज्बात है
उनके दिल में जो वो आपको बताना चाहते हैं। तो सोचते तो हैं कि अरे मैं सोचता हूँ उसको ये बता दूँ, या स्पेसिफिकली अभी आप कह सकते हैं कि वैलेंटाइन डे को भी काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है प्लानिंग आपको कुछ एक्सप्रेस करने के बारे में। फिर है केयरिंग कनेक्शन, तो आप एक बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, यानी कि इस तरह से जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, वैसे ही हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपका सिंगल मैसेज भी उनको आता है या कॉल आता है, उसमें भी ये समझ जाते हैं कि आपको उनकी कितनी ज़्यादा परवाह है। साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि आपको अपने घर वालों को की भी वैसे ही परवाह है, यानी कि इन जनरल आप एक केयरिंग पर्सन है, मतलब सबका ख्याल रखने वाले। फिर है स्ट्रैटेजी, तो कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में जो सोच समझ के बहुत प्लान करते रहते हैं ज़िंदगी, वैसा आपका नहीं है। मतलब आप सोचने वाले इंसान ज़रूर है, लेकिन स्ट्रैटेजी वगैरह कि मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा बेनिफिट क्या है, ऐसा सेल्फिश इंसान आप नहीं है। फिर है एनवी, कहीं ना कहीं ये इमेजिनेशन में काफ़ी ज़्यादा खोए रहते हैं, मतलब आपको लेके काफ़ी कुछ उन्होंने फ्यूचर प्लान किया है और अब उनको इंतज़ार है वो सपना पूरा होने का। ये फ्यूचर क्या है वो आपके पर्सन दिखा तो नहीं सकते लोगों को, लेकिन अपने शब्दों से डिस्क्राइब ज़रूर करते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, या फिर मेरा ये ख्वाब है, मेरा ये सपना, मैं चाहता हूँ उसके साथ पूरा करना है। तो ऐसी बातें वो आप दोनों के रिश्ते को लेके डिस्कस करते रहते हैं। फिर है अटैचमेंट, कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे इसको ये चेन से ये बंधी हुई है जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रही, और ये इसके चेहरे पे शायद ये हिडन मास्क था जो ये रिवील करने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप भी उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन शायद किसी किसी की घर वालों से काफ़ी डीप अटैचमेंट है, और घर वाले जब तक नहीं तैयार होते तब तक शायद आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेन प्रॉब्लम शायद किसी किसी की लिए फैमिली है, और ये पर्सन समझते हैं आपका कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ, आपको दोष नहीं दे रहे, लेकिन वो जानते हैं कि आपके लिए अपने घर वाले भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर है एप्रिसिएशन, तो आपकी जितनी तारीफ़ करें उतना कम है, मतलब काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं जिनको लेके ये आपकी तारीफ़ें करते रहते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, उसको ये पसंद है। तो अब ये तो हर एक के लिए सेम नहीं बातें होंगी, लेकिन तारीफ़ों के पुल ज़रूर बांधते रहते हैं आपके पर्सन, ये सच है। नेक्स्ट है हॉस्टेलाइट, तो यहाँ पे जैसे ये पर्सन अब लड़ने के लिए तैयार है, वैसे ही आपके पर्सन जानते हैं कि आप अपनों के लिए हमेशा आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब हो सकता है आपको चिढ़ाने के लिए शायद आपके पर्सन ने एक दो बार अपने आपके घर वालों को भी कुछ ऐसे कहने की कोशिश की थी, और आपने उनसे उस वक्त भी उनको रोका था कि ये मत कहना नहीं तो देखना झगड़ा हो जाएगा। तो वो जानते हैं कि आप ऐसी कोई बेतुकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, या फिर आप तुरंत आपका मूड चेंज हो जाता है अगर घर वालों को लेके आपके पर्सन कुछ नेगेटिव बातें करें तो आपका घर वालों से भी ये डीप कनेक्शन वो डिस्क्राइब करते हैं। और फाइनल कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो वो जानते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, हौसला है, और कहीं ना कहीं इसी हौसले की वजह से आपके तरफ वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं। मतलब काबिल तारीफ़ आपके अंदर कई सारी क्वालिटीज़ है जिनको ये डिस्क्राइब करते रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ऐसा पर्सन मेरी ज़िंदगी में मुझसे जुड़ना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि वो सच्चे दिल से आपके साथ ये कनेक्शन फील करते हैं। जहाँ पर बात आ रही है केयरिंग कनेक्शन की, और उनको ये महसूस होता है कि आपसे बेहतर उनके लिए कोई पर्सन नहीं हो सकता, और आफ्टर ऑल उनका जो दिल है वो भी आपके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच पाता। तो शायद फ्रेंड सर्कल में उनके कई सारे दोस्त हैं जो उनको बेवजह चिढ़ाते रहते हैं कि क्या तू उसके बारे में सोचता रहता है या क्या सोचती रहती है, तब कहीं ना कहीं ये उनके सवालों का जवाब देते हुए आपके बारे में डिस्क्राइब करते रहते। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।